हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने बनाया था एक बाइक राइडर मास्क जो ये है, इसका वीडियो आपने देखा ही था। और मैंने कहा था मैं इसके ऊपर का एक लेदर का कवर बनाऊंगा, मैं उसी की वीडियो लेकर आया हूँ। वो एक्चुअली मैंने बना के तैयार कर लिया है, बस इसका थोड़ा सा जॉइंट करना है मेरे को। ये ओके, ये बिल्कुल ही फिट बन गया है। बस मैं जब इसकी ये सिलाई कर रहा था उस वक्त मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि ये फिट भी बैठेगा या नहीं। मतलब जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया है वो फिट बैठेगा या नहीं, मैं श्योर नहीं था, लेकिन बिल्कुल ही फिट बैठा है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाया है। अभी इसका ये पोर्शन, बैक पोर्शन बनाना बाकी है, वो भी लगभग मैं तैयार कर चुका हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह से, अभी इसमें और भी काम बाकी है, ये फिर इसके साथ अटैच हो जाएगा। चलिए मैं पैटर्न आपको समझा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। ओके, हमारा फेस मास्क का पैटर्न जो मैंने पिछली वीडियो में यूज किया था, और इन दो पैटर्न का यूज मैंने पिछली बार किया था उसे बनाने में। तो इसमें करना ना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जो हमने इसमें किया है, वही प्रोसेस है। बस हमें ये यहाँ से इस जगह से, जैसे ये देखिए मैंने इसका ये देखिए यहाँ से बस ये कट कर देना है। ये देखिए और देखा तो मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे पैटर्न के। ये देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैंने एक नंबर इस पे डाल रखा है, दो नंबर इस पे डाल रखा है और तीन नंबर इस पे डाल रखा है। अब जैसे ही यहाँ से इसको पैटर्न को अलग करेंगे तो हमें वो अगला जो है वो ये गोल नहीं काटना है, ये बिल्कुल ये सीधा रहेगा, है ना। ये कट का निशान जो आप देख रहे हैं, हमने जो शुरू में चिपकाने के हिसाब से बनाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये मैंने यहाँ से कट लगा के पैटर्न बनाया था, वो पैटर्न मेरा मिस हो गया है। दिक्कत कट करके ही बता देता हूँ आप लोग। ये यहाँ से इसको सीधा जाने देंगे ऐसे, इसको यहाँ से सीधा जाने देंगे ऐसे, ओके, इसको ऐसे जाने देंगे, यहाँ से हमें ये बिल्कुल सीधा ले लेना है, और ये यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा, ओके, इस तरह से इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि ये हमारा छोटा ना पड़ जाए। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा जल्दी जल्दीबाजी में थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। ओके, अब इसका जो पैटर्न है, यहाँ का जो पैटर्न है वो ये है, देखिए बिल्कुल मैच करता हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ये यहाँ का पैटर्न है, दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया है, जो स्पोर्ट के कपड़े होते हैं उसका इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन आ सके, और इसीलिए मैंने थोड़े से हॉल भी इसमें किए हैं, ये देखिए। तो अब बस इस पर इसका पीछे का पोर्शन लगाना है, देख सकते हैं आप लोग, और इस पर एक चैन लगाना है, यहाँ पे मेरे को एक चैन लगाना है इस जगह पे, ताकि यहाँ से ओपन रहे, तो जब हम इसे सर में डालेंगे, सर में पहनेंगे, तो इधर से वो चैन बंद कर लिया तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये देखिए इसका भी मैं पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये पैटर्न है यहाँ का, ऐसे देख सकते हैं ऐसे, और ये पैटर्न है यहाँ का ऐसे साइड का, और ये वाला पैटर्न ये देखिए ये इस तरह से है, देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है, और ये बीच का है इस, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। जब हम लेदर कटिंग करेंगे पैटर्न के हिसाब से, लेदर की जब हम कटिंग करेंगे तो कैसे करें, रफली पेपर पे बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारा पेपर हो गया, थोड़ा सा इससे नीचे रखेंगे, ये ऊपर से हल्का सा आधा इंची नीचे रखेंगे, और इधर भी आधा इंची का गैप देखते हुए चल रहा है। ओके, ये देख लिया, ये ऐसे और ये ऐसे, ओके, एक इंची की दूरी पे है ना, लगाएंगे दूसरे का निशान,
और एक चीज़ याद रहे दोस्तों, इन सब का हमें पेयर ही कट करना है, मतलब एक अगर हम इस तरह से काट रहे हैं तो दूसरा इसका ऑपोजिट कटेगा, ओके, दूसरा इसका ऑपोजिट इस तरह से कटेगा, ये देखिए, देखा दोस्तों, ये ना, ये देखिए मैंने ये निशान लगाया है कुछ इस तरह से, इस तरह से, और ठीक इसका आधा इंची वो इसलिए है ताकि जब हम लेदर की सिलाई करेंगे तो इतना इसको मोड़ सके। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये मैंने सिलाई कर रखी है और फिर इसको मैंने, ये देखिए, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा, इसमें जगह नहीं होगी, तो हम सिलाई कैसे करेंगे, और ठीक इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें सारी सिलाइयों को लेके जाना है। जैसे अब यह है, तो जब हम सिलाई करेंगे, ये देखिए, ऐसे चलेगा, ये यहाँ आएगा और ये उधर मुड़ जाएगा, बिल्कुल निशान पे ही, इस तरह से, तो ये खुल के आपके सामने ऐसे आएगा, इस तरह से सेट हो जाएगा, जैसे इसको अच्छे से राउंड शेप मिल जाएगी और ये बिल्कुल फिट आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, ये देखिए, ओके, और ये जो इसकी आंखों का आप लोग देख रहे हैं ये चीज़, ये मैंने नॉर्मली थोड़ा सा अपने हिसाब से ही बैठा करके सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इधर का सेट, ये देखिए, है ना, पहले ये सिलाई करिए, फिर इसको मोड़ करके इस तरह दूसरी सिलाई ये करिए, अभी थोड़ा सा लगता होगा और सा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगेगा, तो कटिंग आपको समझ में आ गई होगी, उसी तरह से इन सारे पैटर्नों का, बैक का, बैक के पैटर्नों का भी हम कटिंग कर लेंगे, ओके, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लेता हूँ, बोले तो इसकी सिलाई कर लेता हूँ, ओके, और चैन लगाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको, ये देखिए मैं चैन लगा चुका हूँ इसमें, ओके, बस अब इसको और इसको मुझे जोड़ना है, ये मैं इस तरह से जोड़ूंगा इनको, इसमें चैन लगा दी, चैन लगाने के बाद ये बंद हो जाएगा और ये अपनी शेप में आ जाएगा, चलिए मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, ओके, ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा बाइक राइडर मास्क बनकर तैयार हो चुका है, आई होप कि आप लोगों को ये मास्क पसंद आएगा, मुझे तो इसका लुक बड़ा ही डैसिंग, बोले तो बड़ा ही पारू लग रहा है, आप लोगों को ये मास्क कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों बनाया, तो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, सबसे पहले तो ये हमें पॉल्यूशन से बचाएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्पोर्ट का जालीदार फैब्रिक लगाया है, दूसरा सर्दियों में हमें ये ठंड से बचाएगा क्योंकि बिल्कुल ये फिट है और लेदर टाइप का है तो ठंड तो छू भी नहीं सकती, और तीसरा ये हमारे हेलमेट के इंटरनल पोर्शन को बिल्कुल ही नया जैसा रखेगा। यह हमारा हेलमेट है ना, और यह है इसका इंटरनल पोर्शन। हम अपने बालों में ऑयल लगाते हैं, ऑयल वगैरह का यूज करते हैं और फिर इस हेलमेट को हम से ही पहन लेते हैं, तो जो बालों का ऑयल होता है वो इसके इस इंटरनल पोर्शन पर लगता रहता है, जिससे ये बहुत जल्दी मैल पकड़ लेता है, देख सकते हैं आपको मैल पकड़ लेता है, गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको यूज करने का भी मन नहीं करता। और चौथा ये कि खुदा ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, पर अगर ऐसा होता है तो हेलमेट के टूटने पर भी ये हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है, ये फायदे हैं इस मास्क के। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी ये थिंक और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वैसे मेरी अगली वीडियो है बाइक राइडर लेदर हैंड ग्लव्स मेड इट होम, तो देर ना करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और मेरी वीडियो से आप लोग भी कुछ सीख सकें।
दोस्तों मैं इसका पैटर्न का JPG फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसका पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हमारी नई वीडियो में, जिसका हिंट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सलाम और नमस्कार।